चैनल तो आज तक आपने मुझे बस रेसिपी बनाते हुए देखा होगा लेकिन आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ अपने लाइफ का सबसे स्पेशल डे का ब्लॉग जो मेरी मम्मी डैडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे था और है भी तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको देखने को मिलेगा कि आज ऐसा क्या है स्पेशल है तो चलिए डे है तो स्पेशल डे की शुरुआत भी स्पेशल होनी चाहिए तो चलिए चलते हैं ले चलते हैं आपको एक ऐसी जगह जहाँ पर जाने से बहुत ही अच्छा फील होता है बहुत ही स्पेशल प्लेस है मेरे लिए बहुत ही खास जगह है तो आपको भी ले चलते हैं खुद भी चलते हैं और जो भी ब्लॉग मेरा पहले से देखता होगा जो मेरे को पहले से फॉलो किया होगा उसको ज़रूर पता होगा कि मैं अक्सर कहाँ जाया करती हूँ तो चलिए चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं और एक चीज़ अगर आपको वो प्लेस पे आप कभी गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप वहाँ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कॉमेंट करिएगा सुबह सुबह का समय हो रहा था हम सब लोग एक साथ निकल गए थे मम्मी डैडी मैं मेरा भाई सब लोग निकल गए थे और ये जो जंगल आप देख रहे हैं ना ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जंगल है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है तो आपको दिख रहा होगा इसे कुसमे जंगल के नाम से जानते हैं तो बस इसी से होते हुए हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो बहुत ही अनोखी जगह है बहुत ही अच्छी जगह है तो बोलिए जय बुढ़िया माई की तो हम लोग जा रहे हैं बुढ़िया माता के स्थान और ये जो बुढ़िया माता का मंदिर है ना ये बहुत ही अनोखा है बहुत ही अच्छी जगह है बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे तो चलिए चलते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बहुत ही अच्छा दिन था भीड़ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं रामनवमी में दुर्गा पूजा में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वीडियो की शुरुआत में तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं कुछ स्पेशल चीज़ की बात कर रही थी तो वो स्पेशल चीज़ है मेरी मम्मी डैडी की एनिवर्सरी तो मेरे पूरे परिवार में कभी भी कुछ अच्छी चीज़ होती है या कोई भी ऐसे बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पड़ती है तो हम लोग माता रानी का दर्शन करने ज़रूर आते हैं और दूसरी चीज़ ये अगर हम लोग कभी परेशान भी होते हैं ना तब भी हम लोग बुढ़िया माता का दर्शन करने ही आते हैं मन को एक अलग सी शांति एक अलग सी पवित्रता मिलती है चलिए दर्शन करते करते मैं आपको कुछ चीज़ें इस मंदिर के बारे में बता देती हूँ जो मेरी दादी ने मुझे बहुत पहले कहानियों के तौर पे सुनाया था तो बहुत समय पहले की बात है कि एक बारत जो है ना इस मंदिर के पूरब तरफ के पास आके खड़ी हो गई थी तो एक सफ़ेद साड़ी में बूढ़ी महिला बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा बारात मंडलियों से कहा जो नाच मंडली थी कि मुझे ज़रा डांस दिखा दो तो उन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया उसी में एक जोकर था जिसने उन्हें पांच बार घूम के दिखाया तो माता रानी खुश हो गई और उन्होंने बताया कि कल या परसों जब भी बारात वापस लौटेगी तो तुम नाव में मत जाना तुम इस पर बैठ के मत जाना और यही हुआ जोकर उसमें नहीं बैठ के गया और पूरी बारात पलट गई और सब लोग ख़त्म हो गए बस वो जोकर बच गया और तब से ही माता रानी की बहुत मान्यता है तब ही उस जोकर ने ये पता किया कि आखिर इसका रहस्य क्या है तब जाके उसको पता चला उस नाले के आगे और पीछे के साइड पश्चिम और पूरब के साइड माता रानी का मंदिर है तो उस बहुत ही ज़्यादा पवित्रता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिलती है तो यहाँ पे हम लोग ने ना नाश्ता कर लिया था दर्शन करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पेमेंट करने और हम लोग निकल गए थे घर के लिए तो देखिए यहाँ पे दर्शन करके आप लोग का भी मन पवित्र हो गया होगा भले आपने वीडियो में ही क्यों ना देखा हो और यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकल गए थे सुबह सुबह निकले थे तो भूख भी लगी थी और दूसरी चीज़ इस मंदिर में जब भी आप आए ना तो यहाँ के जो भी पकौड़े या फिर कोई भी चीज़ बनती ना तो उसका अलग ही टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पे हम लोग ने गन्ने का जूस पिया और हम लोग निकल गए थे घर के लिए तो यहाँ पे माता रानी का दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो घर आने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में क्योंकि मुझे ना बहुत सारे डिशेस बनाने थे तो यहाँ पर आती ही मैं लग गई थी किचन में और मैं यहाँ पर दही बड़े बना रही थी और दही बड़े बनाते बनाते मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ के वीडियोज़ चाहिए होगा तो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा तो बस चलिए चलते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं यहाँ पे मेरी मम्मी रेडी हो गई थी मौसी भी आई थी बहुत कम लोग के साथ हम लोग ने सेलिब्रेशन किया था लेकिन बड़ा मज़ा आया था चलिए चलते हैं और केक कटिंग कर, कर लेते हैं मम्मी डैडी रेडी हो गए थे मैं छोटे छोटे क्लिप्स ही ले पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी बहुत सारी चीज़ें करनी थी चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ मैं अकेले बैठ गई थी खाना खाने के लिए